नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपसे मिलाएंगे एएलएम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट से। देखिए अभी संडे के दिन भी क्या है, क्लास खचाखच भरी हुई है। अशोक सोनी सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, एक एक से बात करेंगे, कितनी क्लास लगती है दिन में, कैसे पढ़ाई होती है। तो पहले शुरू कर देते हैं भाई, एक बार तो इनसे बात कर लेते हैं भाई। आप कहाँ से आए हो जी? सर मैं टोहाना से। टोहाना से कितने दिन हो गए? सर 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। आप भाई? अच्छा, टोहाना के पास। आप कहाँ से आए हो? बुन्ना। जिला बता देता हूँ, गादरी, हिसार से, रेवाड़ी, रेवाड़ी, हिसार, हिसार, नरवाना, दादरी, हिसार, फतेहाबाद, जींद, दादरी, भिवानी, हिसार, हिसार। और भाई? हिसार से हो। और आप? हिसार। आप भाई? सोनीपत से। अच्छा ठीक है, मतलब अलग अलग जिले से सारे आए हुए हैं, एलम की तैयारी करने वाले हैं भाई, और इनकी क्लास शेड्यूल का जानेंगे। तो भाई आप बताइए, जो क्लासे लगा रहे हो, कितने घंटे दिन में क्लासे लगती है? संडे को भी क्लास लग रही है आज। आज कितने घंटे हो गए, आप कब आए थे? सुबह 9 से क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी। हाँ। और दिन में 2 बजे तक चलेंगे आज। अच्छा, मतलब 9 से 2 संडे के दिन। संडे के दिन। अच्छा ठीक है। इसके अलावा भाई आप बताइए, थ्योरी भी पढ़ाते हैं, एमसीक्यू भी करवाते हैं, दोनों करवाते हैं? दोनों करवाते हैं। ठीक है, और आपको नोट्स वगैरह भी दे रखे होंगे? सर। अच्छा ठीक है, और आप बताइए, भी समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ सब कुछ? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छे से। मतलब सर जो करवाते हैं, टाइम टेबल सर क्या रहेगा अपना? अच्छा, देख सकते हो सर आप। अच्छा, ये टाइम टेबल है? नो से टेबल है। हाँ जी, इसमें क्या है, एक तो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों में। अच्छा, मतलब ये 9 से 10 से थ्योरी क्लास ऑफलाइन वालों के लिए 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसमें से 9 से 10 थ्योरी क्लास। सबसे पहले 9 से 10 बजे तक पहले क्या है, थ्योरी क्लास है ये ऑफलाइन वालों के लिए। नया बैच जो शुरू हुआ अभी उसके लिए रहेगा। ठीक है, 9 से 10 बजे तक। हाँ, उसके बाद 11 बजे से 12 बजे एक और थ्योरी की क्लास रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कंप्यूटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, 10% का रेशो है, वो कंप्यूटर की क्लास है। फिर क्या है, 2:15 बजे से लेकर लगभग 4 भी हो सकते हैं, यहाँ पर पूरे 4 भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, थ्योरी की क्लास है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है। चलो ये बता देंगे, और इसके अलावा आगे? उसके बाद 4:30 से लेकर 5:30 तक एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, साथ साथ में हफ्ते के अंदर हमारा टारगेट रहता है 1-2 टेस्ट उनसे दिया जाए, तो हमने कम से कम शायद 5 या 6 टेस्ट भी हो। अच्छा, कितने टेस्ट हो गए भी अपने? 6 हो गए। ठीक है, टेस्ट में अपना क्या किस पैटर्न रहता है? आपने टेस्ट दिया है? नहीं जी, मैं तो कल दिया। अच्छा, आपने दिया है टेस्ट? दिया है टेस्ट में, मतलब यही पैटर्न है, 70 क्वेश्चन है और 10 और 20 है, या थ्योरी थ्योरी का लेते हैं एमसीक्यू? अच्छा, अभी मतलब इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू का टेस्ट ले रहे हैं अभी आपका? ठीक है, थ्योरी का जो रेशो है वो ज्यादा है, इसलिए थ्योरी थ्योरी का टेस्ट है वो सबसे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद एक क्लास और है हमारी, ये 7:30 से लेकर 8 तक, ये तो यूट्यूब के लिए, सभी के लिए ही। उसके बाद जो यहाँ पर बच्चे रहते हैं पीजी में है, यहाँ पर अकेडमी में रहते हैं, उनकी क्या है, 8 से लेकर 9 बजे तक एक प्रैक्टिस क्लास होती है, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो करवाया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो अकेडमी आना चाहे तो उसके लिए सारी क्लास अवेलेबल है? क्लास यहाँ पर ऑफलाइन के वालों के लिए सारी क्लास रहेगी, और ऑनलाइन वालों के लिए कंप्यूटर की क्लास, ये 2:15 से लेकर लगभग 4 बजे वाली ये क्लास, और एमसीक्यू क्लास, ये 3 क्लास है। थ्योरी की बात करें, सिर्फ 2 क्लास रहेगी ऑनलाइन वालों के लिए, और ऑनलाइन अपना कोर्स पे ऑनलाइन स्टडी पे मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइन स्टडी, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप क्या है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो सर आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उनको क्या मोटिवेट करना चाहोगे? पूरे अब बच्चों के पास इतनी फीस नहीं है, जगह जगह दे रखी है। बिल्कुल, तो उनके लिए क्या बोलोगे, तैयारी कैसे करनी चाहिए उनको, घर बैठ के लाइब्रेरी वगैरह कैसे करनी चाहिए? कोई बच्चा ये बोले भी हम ऑफलाइन नहीं आ सकते इतनी दूर, क्योंकि खर्चा तो होता है। ठीक है, पर एक बात तो है सर, कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अभी दौर है लगभग, ये मान के चलो 2.5 महीने की बात है, 2.5 या 3 महीने मैक्सिमम मानते हैं। अब अगर पीजी का खर्चा भी देखें तो मैक्सिमम 4,000 रुपए एक पीजी का खर्चा है, तो मान लो 10,000 में 2 महीने आपके आराम से निकल सकते हैं। ठीक है ना, 10,000 रुपए ये हुए फीस हमारी, लगभग जो फीस है वो फीस आपको देनी पड़ेगी, तो लगभग 15,000 के अंदर आपके क्या है, अगर यहाँ पर आके तैयारी करोगे तो बेस्ट तैयारी हो सकती है। उसके बाद कोई बच्चा बोले भी हम यहाँ पर नहीं आ सकते, तो आप यहाँ नहीं आओगे तो ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म है डिवाइन स्टडी ऐप पे, काफी बढ़िया क्लास, जहाँ पर ये जो ऑफलाइन क्लास चलती है सेम क्लास हमने ऑनलाइन ये प्रोवाइड करवा रखी है,
फीस वगैरह के बारे में जानना हो तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फीस एक प्रकार से नाम मात्र रखी गई है, सिलेक्शन के बाद ही फीस है। मेन तो बिल्कुल मेन तो जो टारगेट बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए सिलेक्शन के बाद ही है। अभी तो जो हमने फीस ले रखी है उसका तो इनको हमने मटेरियल है, इतनी क्लासेज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेहनत तो बिल्कुल करवा रहे हैं। ये तो रिजल्ट भी अब की बार आपके सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना परसेंट आपको लग रहा है कि 100 में से अगर मान लीजिए परसेंटेज निकाला जाए कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है जो तैयारी कर रहा है? मेरा टारगेट ये भी अब की बार पूरे हरियाणा के अंदर ये होना चाहिए भी दीवान सिंह एकेडमी से इतने सिलेक्शन हुए हैं, हर एक बिजली घर के अंदर अपना स्टूडेंट कन्फर्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लगेगा। तो कोई भी अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहे, ऑनलाइन देख रहा है इस वीडियो को, तो आप हमारे यहाँ पर दीवान सिंह एकेडमी नियर बस स्टैंड हिसार आ सकते हैं और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अभी अधिक जानकारी के लिए। अब इनसे पूछ लेते हैं एक बार, भाई आपको क्या बेनिफिट लगा है यहाँ आने के बाद? सर मैंने 2018 में आईटीआई की थी। अच्छा, उसके बाद मैंने आईटीआई का वो मैटर छोड़ दिया था सर, मैं हरियाणा में तैयारी करने लग गया था पेपरों की। तब मैं यहाँ आया था ना सब जब दीवान सिंह एकेडमी में, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे आता था। अच्छा, तो अब मैं मेरे को 2.5 महीने हो गए यहाँ तैयारी करते हुए, तो अब मेरा 60% कवर हो चुका सर। तो सिलेक्शन मतलब श्योर है, पक्का? डन है, आज वीडियो बन रही है, ये कल को दोबारा आपकी वीडियो डालेंगे बना के। बिल्कुल सर, आप मेरी डालना देख लेना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और भाई आप कब से आने शुरू हुए? कल आए हो। अच्छा, आप कब से आए हो? मैं स्टार्टिंग से आ रहा हूँ। स्टार्टिंग से आ रही हूँ कि क्या मतलब बेनिफिट हुआ आपको आने के बाद में? सर मैंने 2017 में पॉलिटेक्निकल की थी, तब मेरे को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था भाई कैसे तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ ना फिर पता लगा सही ऐसे तैयारी करनी है। फिर उसके बाद मैं टेक्निकल लगा तो बिल्कुल भी नहीं पता सर, सर के पास आए सर ने बताया टेक्निकल अब की बार 70% आने वाला है और मैटर ये। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ की कोई कमियां वगैरह आपको लगी हो किसी प्रकार की? भी क्लास कई बार सर मिस कर जाए, कुछ और हो जाए, बिना इन्फॉर्मेशन दिया, ऐसा कुछ महसूस हुआ आज तक आने के बाद? सर वो तो ऑनलाइन मिल जाती है। अच्छा, ऑनलाइन भी मिल जाती है, अगर आप नहीं आओ किसी दिन है तो वो क्लास ऑनलाइन मिल जाती है? ऑनलाइन देख लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन सारी क्लास से नहीं मिलती लेकिन एक दो थ्योरी और एमसीक्यू मिल जाती है। अच्छा अच्छा, भाई आप में से ये बताइए कि सीटी में जो आपका स्कोर बना था, क्योंकि बहुत सारों के डाउट है कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो 60 नंबर से ऊपर किस किस के नंबर है? अभी 60 से ऊपर एक कैंडिडेट, 2 और 3, ठीक है। 55 से ऊपर कौन कौन है आप में से हाथ खड़े करना? यानी अच्छा ठीक है, 55 से और बाकी 55 से नीचे हो, ठीक है। 50 से नीचे नीचे कौन है? 50 से ऊपर ना हो, 50 से नीचे नीचे जिनके नंबर है। अच्छा, ये 50 से नीचे वाले नंबर वाले हैं, ठीक है। मतलब है कि नंबर सबका आ जाएगा लगभग लगभग लगभग। और पूरे हरियाणा में ऑफलाइन केवल अपना बैच चलता है एलम का, तो दीवान सिंह अकेडमी में चलता है, अशोक सोनी सर यहाँ पे पढ़ाते हैं। सोनी सर, अब और लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे? लास्ट में सर यही बातें रहेगी कि अब की बार जैसे टेक्निकल का रेशो 70% है, तो जो भी बच्चा कहीं से भी तैयारी करे अपने टेक्निकल का जो पोर्शन है वो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ले, क्योंकि अब की बार इतनी पोस्ट है ये बार बार नहीं आएगी, काफी बढ़िया मौका रहेगा सभी बच्चों के लिए। तो ये मान लीजिए अब 2.5 या 3 महीने है, इसमें क्या दिन रात एक कर दीजिए अपनी तैयारी के लिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। बस सर यही बताना चाहेंगे बच्चों को। ओके भाई, जो भी आना चाहे तो भाई एड्रेस वगैरह दिख रखा है, ऑनलाइन अपना डिवाइन स्टडी पे है, वहां से आप थ्योरी और एमसीक्यू 2 क्लास और एक अपने कंप्यूटर का 3 कोर्सेज अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे, और यहाँ आओगे तो सब कुछ आपको वो चीज फ्री दी जाएगी। धन्यवाद।